बॉलीवुड में जब भी बेहतरीन एक्टिंग की बात होती है ना, कुछ एक्टर्स के नाम दिमाग में पॉपकॉर्न की तरह फूट जाते हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी, इरफान खान, ओम पुरी। आई एम श्योर आपकी लिस्ट में और भी नाम होंगे, लेकिन जनरली ये हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक और नाम इस लिस्ट में ऐड होना चाहिए और वो है विनीत कुमार। विनीत कुमार को 47 साल हो गए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में और उन्होंने बेहतरीन रोल्स किए हैं डिफरेंट टाइप की मूवीज़ में। ये ऐसे एक्टर हैं जिनको आप खोज कर अगर यूट्यूब पर देखेंगे ना, तो आप बाद में ललन टॉप को थैंक यू बोलेंगे। कैलेंडर चेक कीजिए, 22 फरवरी को उनका बर्थडे होता है। इसी मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना आपको उनकी यादगार फिल्म्स और सीन्स के बारे में बताया जाए। विनीत कुमार की बेहतरीन फिल्म्स में से एक आती है मसान, फिर कच्चे धागे, शूल, विक्रमार कुडू और मकड़ी। पहले हम मसान की बात करते हैं। मसान में विनीत मुख्य किरदार यानी विक्की कौशल के पिता बने हैं। ये शमशान घाट में काम करते हैं, जिंदगी की सच्चाई जानते हैं कि सबको एक दिन मिट्टी हो जाना है। इसलिए अपनी किस्मत को स्वीकार तो कर लिया है इन्होंने, पर एक चीज़ का मोह है, वो है छोटे बेटे से थोड़ी सी उम्मीद है। और वो डायलॉग में ये भी कहते हैं, सब ले ले तू ही तो हो, मतलब सब ले लो तुम ही तो हो। विनीत ने एड्स, टीवी शोज, हिंदी फिल्म्स और इंग्लिश फिल्म्स भी की हैं। उन्होंने 4 लैंग्वेजेस में फिल्म्स की हैं, मतलब हिंदी सिनेमा में तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया ही है। उन्होंने मराठी फिल्म, तमिल फिल्म्स और तेलुगु फिल्म्स में भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब मैं आपको विक्रमार कुडू के बारे में बताती हूँ, जो कि एक तेलुगु फिल्म है। ये फिल्म डायरेक्ट की है SS राजामौली ने, जिन्होंने बाहुबली बनाई थी। इस तेलुगु फिल्म में विनीत मेन विलन का रोल कर रहे हैं। नाम है भाऊजी, जिसके लिए इन्हें खूब तारीफ मिली। और इसी फिल्म की हिंदी रीमेक बनी 2012 में, नाम था राउडी राठौड़, बिल्कुल अक्षय कुमार वाली। इसमें भाऊजी का रोल जिसने किया था वो एक साउथ इंडियन फिल्म के बेहतरीन एक्टर है, नाम है नसर, मतलब हिंदी फिल्म में तेलुगु एक्टर और तेलुगु फिल्म में हिंदी एक्टर, ये सही है। विनीत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक्टिंग की तरफ आकर्षित कैसे हुए। उन्होंने कहा कि मुझे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानने में बहुत मज़ा आता था और उसके बारे में और जानकारी लेने का मन करता था, तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स में साइकोलॉजी को भी ऐड किया। और वो ऑब्जर्वेशन करना बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, कई बारी मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत मज़ा दे देती थी क्योंकि वो ठीक निकलती थी, लेकिन कई बारी गलत भी हो जाती थी। तो ये सब जितने भी एक्सपीरियंसेस इनके थे, इन सब ने उनको एक्टिंग करने के लिए बहुत इनकरेज किया। अब मैं आपको शूल फिल्म के बारे में बताती हूँ, मनोज बाजपेयी की ऐसी फिल्म जिसने इंडस्ट्री में उनको जमाने में बहुत हेल्प की। शूल फिल्म में विनीत का मेन रोल था। उनका किरदार एक पुलिस ऑफिसर का था जिसका नाम था तिवारी जी। आगे चलते हैं कच्चे धागे फिल्म, जो 1999 में आई थी, अजय देवगन और सैफ अली खान की फिल्म। पुलिस कांस्टेबल भक्ता का रोल किया है विनीत ने। इस फिल्म में विनीत ज्यादातर सीन्स में आपको दिग्गज एक्टर गोविंद नामदेव के साथ दिखेंगे, जो पुलिस ऑफिसर बने हैं। पूरी फिल्म के दौरान भक्ता को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई नॉर्मल सा रोल है, लेकिन जब फिल्म के आखिर में विनीत का कैरेक्टर बदलता है तो वो सबको चौंका देता है। अब चौंकने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी आपको। वैसे विनीत का फिल्म करियर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह, मानव कौल और मनोज बाजपेयी की तरह ही शुरू हुआ। मतलब इनकी फैमिली इनकी एक्टिंग फील्ड को चुनने के बिल्कुल खिलाफ थी। विनीत ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब उनके भाई, बड़े भाई, IPS ऑफिसर बने थे बिहार के, जो कि अब रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो उनको जबरदस्ती अपने पापा को खुश करने के लिए लॉ करना पड़ा था। तो उन्होंने लॉ के टाइम में सीरियस थिएटर एक्टिंग की थी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप ललन टॉप के पेज को फेसबुक पर जाकर लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।